अस्सलाम वालेकुम जी, जो अभी आपने केस देखा वो है मैगेट वुंड का केस। आज चूँकि बारिश का मौसम है तो हमने सोचा कि आज मैगेट वुंड के ऊपर ही डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा मैगेट वुंड के केसेस जो हैं पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों मैगेट वुंड डेवलप हो जाते हैं और उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है जो आप घर में ही कर सकते हैं, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैगेट वुंड बेसिकली जो होता है, ये फ्लाइज़ जब एग देती हैं किसी ज़ख़म के ऊपर तो वहाँ पे जो उन एग से लार्वी डेवलप होते हैं, तो ये जो आपको कीड़े ज़ख़म के अंदर नज़र आ रहे हैं या नज़र आते हैं वो ये मैगेट्स डेवलप होते हैं, जो कि जानवर को ज़िंदा ही खा रहे होते हैं। मैगेट वुंड की कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, वो सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब कुछ तो ऐसा होता है कि डॉग की किसी दूसरे डॉग से या कैट की किसी दूसरे कैट से फाइट हुई तो वहाँ ज़ख़म हो गया, वहाँ अपने ज़ख़म का ख्याल नहीं रखा, वहाँ इन्फेक्शन वापस पड़ी, उस पास के ऊपर मक्खियों ने आगे अंडे दिए जिसकी वजह से लार्वा डेवलप हुए, तो वहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं और ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। समटाइम ये होता है कि जानवर को आपने कभी जो है वो ज़ख़म जो नहीं देखा, बट आपने देखा कि वो मैगेट वुंड डेवलप हो गया, आपने छोटा सा सुराख देखा आज और दो तीन दिनों बाद वो बहुत ज़्यादा ज़ख़म जो है बढ़ गया, तो ये एक मैगेट वुंड की एक टिपिकल निशानी होती है। इसकी बरसात के अंदर एक रीज़न ये होती है कि जानवर मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं इस मौसम के अंदर, और जानवर जब अपने आप को स्क्रैच करते हैं, ख़ारिश करते हैं मक्खी उड़ाने के लिए या किसी वजह से, तो वो छोटे छोटे ज़ख़म बन जाते हैं स्किन के ऊपर। जो ज़ख़म स्क्रैचेस होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, वहाँ पे जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, तो मक्खियों को जब वहाँ पे अंडे देती हैं तो वहाँ पे मैगेट वुंड डेवलप हो जाते हैं। अब मैगेट वुंड की एक अच्छी बात ये है कि मैगेट वुंड बहुत जल्दी ठीक होता है, और जितने मैगेट्स होते हैं ये डेड मीट खाते हैं, सारा फ्रेश मीट पीछे छोड़ देते हैं। जो मैगेट्स होते हैं वो एज ए ट्रीटमेंट भी यूज़ होते हैं ह्यूमन साइड पे भी, कि बहुत ज़्यादा जो बर्न हो जाते हैं, जले हुए ज़ख़म होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब ज़ख़म होते हैं, उनके ऊपर मैगेट छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो डेड मीट वहाँ से खा लें और फ्रेश मीट वहाँ नीचे बच जाए। ये एक नॉर्मल ह्यूमन थेरेपी है। इसी तरह इसी मुनासबत से जो मैगेट वुंड डॉग या कैट के अंदर होते हैं, ये एक अच्छा वुंड मेरी फेवरेट वुंड में इस तरह से आता है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होता है। आप मैगेट वुंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मैगेट्स यहाँ से ख़त्म करें, ज़ख़म की प्रॉपर सफाई रखें, तो बहुत बड़ा ज़ख़म भी मैक्सिमम हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, जो कि ऐसा ज़ख़म जो 15 दिन महीना भी लग जाता है जिस तरह के ज़ख़म को, तो मैगेट वुंड की एक प्लस पॉइंट है। मैगेट वुंड का एक माइनस पॉइंट ये है कि मैगेट वुंड ख़राब भी बहुत जल्दी होता है। आप देखते हैं कि एक छोटा सा सुराख हुआ है, वहाँ पे एक दो आपने छोटे छोटे कीड़े देखे, आप अगले दिन देखेंगे तो वो बहुत बड़ा सुराख हो चुका होता है, इवन बहुत ज़्यादा मतलब अंदर तक चले जाते हैं मैगेट्स, इंटरनल ऑर्गन्स तक चले जाते हैं, और ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो मैगेट वुंड की जो केयर होती है वो आपने इनिशियली स्टार्ट करनी होती है, जैसे ही आपको लगे कि आपका डॉग या कैट मैगेट वुंड से सफ़र कर रहा है तो आपने फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना होता है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लें तो लोग इसमें डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट घर में कराते हैं। लोग जो है मिट्टी का तेल इसमें डाल देते हैं, फिनाइल की गोलियां इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करते हैं, जहर डाल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो है कंट्रा इंडिकेटेड हैं इन इस तरह के केसेस के अंदर। इसके लिए प्रॉपर मैगेट्स के लिए मेडिसिन आती हैं जो कि आपने स्पेसिफिक डाइल्यूशन पे यूज़ करनी होती है, वो प्रॉपर जहर होते हैं, आपने स्पेसिफिक डाइल्यूशन पे डाइल्यूट करके आपने यूज़ करने होते हैं, और उसको एनिमल को लिक नहीं करने देना होता। उसका तरीका क्या होता है कि आपने ज़ख़म साफ़ करना है उस पॉइजन के साथ या उस मेडिसिन के साथ, और उसको 10-15 मिनट लगा रहे हैं, उसके बाद वॉश करके फिर आपने कोई ऑइंटमेंट या पायोडीन वगैरह उस ज़ख़म के ऊपर लगानी होती है। अगर आप वैसे ही लगा रहने दें एनिमल, वो जो जहर होते हैं वो जिस्म के अंदर स्किन के ज़रिए अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा केसेस में आती है। लोग जहर लगा के पाउडर सीधा ही और ऊपर छिड़क देते हैं और छोड़ देते हैं, जानवर उसको चाट ले या उसको जहर जो है अंदर बॉडी के अंदर जज़ब हो जाए तो बहुत जल्दी एनिमल एक्सपायर हो जाते हैं, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। दूसरा ये होता है कि आपने उसको एहतियात करनी है, मुँह बांध के रखना है जानवर का 10-15 मिनट, जब तक जहर लगा आपने उसको नहीं हिलने देना वहाँ से, उसके बाद आपने वॉश करके प्रॉपर मेक श्योर करना है कि मेडिसिन सारी ख़त्म होगी, उसके बाद आपने जो भी ऑइंटमेंट या एंटीबायोटिक्स लगानी है वो आप लगाएंगे। इसके अलावा आप टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एक इफेक्टिव थेरेपी है। क्लोरोफॉर्म लोग यूज़ करते हैं, ये भी एक इफेक्टिव थेरेपी है। ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं मैगेट वुंड की केयर के लिए। तो इसका ये तो ट्रीटमेंट की बात होगी कि ये चीज़ें आप मेडिसिन करेंगे, बट इसकी प्रिवेंशन ये है कि जब भी आपको लगे कि जो आपके जानवर के ऊपर ज़ख़म है या जो भी मसला है तो उसको मक्खियों से बचाएं, मक्खियों से दूर रखें ताकि वो मक्खियां वहाँ उस ज़ख़म को ख़राब ना करें और उसको जो है और कॉम्प्लिकेट ना करें। अगर मैगेट वुंड के ऊपर मक्खियां बैठती हैं और उस पर अंडे देती हैं तो और वो बढ़ता जाता है, आपको पूरे बॉडी को चेक करें, छोटे छोटे आपको डिफरेंट जगह पर मैगेट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। इसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं मैगेट वुंड के, वो उंगलियों के दरमियान में, डॉग और कैट की पॉज के दरमियान में मैगेट बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, दुम के नीचे वाली एरियाज़ में जो पेरिनियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मैगेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। ये मेजर एरियाज जो हम लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं, और इन्हीं एरियाज़ पे आपको मैगेट वुंड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैगेट वुंड एक अच्छा वुंड है अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज करें,
बट इस तरह का जैसे अभी बारिश हो रही है बहुत तेज़, इस तरह के मौसम में अपने डॉग्स को इंडोर कर लें और उनको मक्खियों से बचाएं और उसका ख्याल रखें। तो छोटे छोटे अगर स्किन पे ज़ख्म है तो उसको साथ साथ आयोडीन वगैरह लगा के या छोटी छोटी चीज़ें लगा के ज़ख्म को मैनेज करके रखें, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा जो है फैल जाए। अगर आपको लगता है कि मैगेट्स जो हैं आप मैनेज नहीं कर सकते घर में, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो आप हमारी टीम को अपने घर बुला सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पे आके आपके डॉग को ट्रीटमेंट देगी और उसको आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आपने इसका फर्दर क्या कुछ करना है। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।